बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का काम करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर है 2। उर्दू के काम में आज हरफ डे का डाल का तारुफ करेंगे। दर्सी किताब सफ़ा नंबर 13, अमली किताब सफ़ा नंबर 11-14 इसमें शामिल हैं। प्यारे बच्चों, आए सब मिलकर हरूफ़ तहज्जी का गाना गाते हैं। आओ जल्दी से याद करें सब। अलिफ़ बे पे, अलिफ़ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे, दाल डाल जाल रे अड़े जे ये, सीन शीन स्वाद स्वाद, तोएं जोएं आइन गाइन फे काफ काफ गाफ, लाम मीम नून राव हे हमजा छोटी ये बड़ी ये। प्यारे बच्चों, आपको याद है हमने पिछले हफ्ते कौन से ख़ानदान का तारुफ किया था? अरे हमने तो दाल के ख़ानदान का तारुफ़ किया था। दाल का, दाल हरूफ तहजी का चौथा ख़ानदान है और दाल के ख़ानदान में 3 लोग हैं। तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। दाल बेचारा कुछ भी नहीं खाता था। आज हम दाल के ख़ानदान के दूसरे फ़र्द से मिलेंगे। दाल के दूसरे ख़ानदान के दूसरे फ़र्द का नाम है डाल। ये देखें, ये लिखने में बिल्कुल दाल जैसा है लेकिन इसके सर पे सिर्फ बेबी तोए है, तोए का बच्चा है। दाल डाल जाल एक जैसे हैं, रिश्ते में ये सब मिलते हैं, सर को झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम डाल के दोस्तों से मिलेंगे। देखें दाल के दोस्त कौन कौन से हैं। डालडा ढोल, डाल का दोस्त जो है वो ढोल है। आप जब शादी पे जाते हैं तो आप ढोल बजने की, ढोल बजता देखते हैं ना, डालडा ढोल। आगे देखें डालडा डॉक्टर, देखें डॉक्टर के पास जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर अंकल के पास जाते हैं, डालडा डॉक्टर। डालडा डिब्बा, डिब्बे में हम चीज़ें रखते हैं। आगे देखें डालडा डाकिया, डाकिया वो अंकल है जो हम सबको खत देते हैं, डालडा डाकिया। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि हरफ डाल कैसे लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, ये 1, 2, 3, 4, ये 4 लाइनें हैं। हम दरमियानी 2 लाइनों में पहले तिरछी लाइन लगाएंगे। हमने तिरछी लाइन लगाई, फिर यहाँ से हम गोल करके लाइन को टच कर देंगे। अब इसके सर पे हम बेबी तोएं बनाएंगे, तोएं का बेबी बनाएंगे। पहले सीधी लाइन लगाएंगे, फिर तिरछी लाइन, फिर यहाँ से हाफ सर्कल बना देंगे। ये हमारा क्या बन गया, डाल। और इसकी आवाज़ क्या है, डालडा। प्यारे बच्चों, हम हवा में डालडा लिखेंगे। अपनी हाथ की दो उंगलियों को मिलाएं, तिरछी लाइन, अब गोल कर दें। अब इसके बेबी तोएं बनाएं, सीधी लाइन, तिरछी लाइन, हाफ सर्कल। प्यारे बच्चों, ये आपकी उर्दू की किताब है। अब इसमें भी हम डालडा पढ़ेंगे। डालडा डाकिया, डालडा डिब्बा, डालडा डॉक्टर, डालडा डबर रोटी, डालडा डंडा। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये आपकी उर्दू की अमली किताब है, सफ़ा नंबर 11। इस पे हरफ डाल है और डाल के दोस्त हैं। आपने सिर्फ इस पे सफ़े को पढ़ना है। डालडा डाकिया, डालडा डॉक्टर, डालडा ढोल, डालडा डिब्बा। प्यारे बच्चों, आगे देखें डालडा डाकिया। डाकिया में आप कलर करेंगे, डालडा में भी कलर करेंगे, डॉक्टर में भी कलर करेंगे और उस पूरे सफ़े पे ट्रेसिंग करेंगे। प्यारे बच्चों, आगे सफ़ा नंबर 13, डिब्बे में कलर करेंगे, डालडा में कलर करेंगे, ढोल में कलर करेंगे, डाल की ट्रेसिंग करके नीचे लिखेंगे। प्यारे बच्चों, देखें हम डाल के तमाम दोस्तों में प्यारे प्यारे कलर करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आप आउटलाइन बनाएंगे, फिर अंदर प्यारे प्यारे मल्टी कलर करेंगे, मतलब चेंज चेंज कलर करेंगे, थोड़े और थोड़े और थोड़े और। प्यारे बच्चों, ये डालडा की हम ट्रेसिंग करेंगे। देखिए हम डालडा की ट्रेसिंग कैसे करेंगे। हम इस नुक्ते से शुरू करेंगे, पहले तिरछी लाइन लगाएंगे, फिर गोल करके इसको नीचे ले आएंगे, आराम आराम के साथ, बहुत प्यार से, बहुत आराम के साथ एक नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ मिलाते जाएंगे। इस डोर से शुरू करेंगे और आराम आराम से नुक्तों को एक दूसरे के साथ मिलाते जाएंगे। इसके ऊपर बेबी तोएं भी बनाएंगे। आगे देखें, नीचे सेल्फ राइटिंग है। 1 डॉट पे हम यहाँ से तिरछी लाइन लगाएंगे, यहाँ से गोल कर देंगे, फिर इसके ऊपर बेबी तोएं बनाएंगे, सीधी लाइन, तिरछी लाइन, इधर से हमने सर्कल बना दिया हाफ। देखें आगे भी यहाँ से हम तिरछी लाइन लगाएंगे, यहाँ हम गोल करके नीचे ले आएंगे, लाइन को टच कर देंगे,
बेबी धोए के लिए देखें सीधी लाइन, स्लांट लाइन, यहाँ से हम सर्कल बना देंगे। प्यारे बच्चों इसी तरह आपने ये सारा सफ़ा लिखना है। आगे देखें अगला पेज, पेज नंबर 14, दाल के गिर्द दायरा लगाएं। अब इसमें से हमने दाल ढूंढनी है। सबसे पहले हम दाल की पहचान करेंगे, दाल कौन सा होता है। आपको पहले भी बताया था दाल के ऊपर कुछ भी नहीं, दाल के ऊपर कुछ भी नहीं। अब देखें दाल वो है जो कुछ भी नहीं खाता, बेचारा दाल कुछ भी नहीं खाता। अब हम इसमें से ढूंढना है जो बेचारा कुछ भी नहीं खाता, दाल वो कौन सा है। देखें ये कुछ भी नहीं खा रहा ना, ये बेचारा दाल है। इस पर हमने ऐसे दायरा लगा दिया। देखें इसके ऊपर भी कुछ है, ये जीमजा है, ये देखें दाल दा है ना, इसके ऊपर भी कुछ नहीं, इसको दायरा लगाएंगे। देखें आगे ये भी दाल दा है, ये भी बेचारा कुछ नहीं खा रहा, इसके ऊपर दायरा लगाएंगे। आगे देखें ये तो जीमजा है, ये दाल दा है ना, ये भी कुछ नहीं खा रहा, इसके ऊपर दायरा लगाएंगे। इसके ऊपर तो बेबी तोए हैं, ये तो दाल दा है, इस पर नहीं लगाएंगे। ये भी दाल दा है, ये कुछ नहीं खा रहा, इस पर दायरा लगाएंगे। आगे देखें तस्वीर को दुरुस्त हरूफ से मिलाएं, हर्फ से मिलाएं। देखें अब दालदा है और डालडा है, हमने दालदा को भी उससे शुरू होने वाली तस्वीरों से मिलाना है और डालडा को भी। सबसे पहले ये देखते हैं ये क्या है, ढोल। जब हम ढोल बोलते हैं तो किसकी आवाज़ आ रही होती है, ढोल, ढा की आवाज़ आ रही होती है ना, तो डालडा, डालडा ढोल है ना, तो डालडा को हम ढोल के साथ मिला देंगे। आगे देखें ये डाकिया है, जब हम डाकिया बोलते हैं तो डा की आवाज़ आ रही है ना, डाल डा, तो हम इसको डाकिए, डाल को डाकिए के साथ मिला देंगे। आगे देखें ये है दरख्त, जब हम दरख्त बोलते हैं तो दा की आवाज़ आती है ना, तो दरख्त किससे शुरू होगा, दाल दा से, दाल दा को हम दरख्त के साथ मिला देंगे। आगे देखें ये है दवात, जब हम दवात बोलते हैं तो दवात दा, दाल दा की आवाज़ आ रही है ना, तो हम दाल दा को दवात के साथ मिला देंगे। प्यारे बच्चों आपने ये तमाम काम नहायत खूबसूरती से करना है, किताबों को गंदा नहीं करना, किताबों को फाड़ना नहीं है। घर रहें, महफूज रहें, अल्लाह हाफिज़।